ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलयन् बीच में फोन आ रहा है इसलिए डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मोबाइल से जुड़ा हूँ। और सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, इस वेबिनार समूह में जुड़े हुए आदरणीय गुरुकुल प्राचार्य प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी, हमारे संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा जी और अन्यान्य नीरज जी ने जैसा बहुत नाम दिया, बहुत जगहों से जुड़े हुए आचार्य, हम सभी को अपना प्रणाम निवेदन करते हुए, मैं एक योग का विद्यार्थी हूँ, हमारी अल्प बुद्धि है, तब भी आप लोगों के सम्मुख कुछ निवेदन करना चाहूँगा। वैदिक योग दैवीय एवं अध्यात्म विज्ञान, जब हम इस विषय का चिंतन करते हैं तो पहला हमारे सामने यह प्रश्न आता है, हम दार्शनिक हैं कि क्या वैदिक योग से भिन्न भी कोई योग है, नहीं तो विशेषण जो वैदिक दे रहे हैं उसकी व्यर्थता सिद्ध होगी। वेद में प्रतिपादित योग ही योग है, उससे भिन्न कहीं योग है ही नहीं। अगर वेद को ज्ञान रूप लेते हैं तो ज्ञान राशि में कोई भी ऐसी वस्तु तो अवशिष्ट नहीं रहती जो योग के रूप में चाहत हो और उसका ग्रहण न किया जा सके। दैवीय दैवीय पद हमको बहुत परेशान किया, शायद हमको लगता है यह हिंदी भाषा से भाषित यह पद प्राप्त हुआ हम लोगों को। हम अगर पाणिनीय को देखते हैं तो वह दैवम प्रयोग करते हैं, और एक वार्तिक है देवश्च करके, गाही या गाहादिभ्यश्च, इस सूत्र के प्रकरण में वह प्रयोग करते हैं इस वार्तिक को, और वहाँ वह कहते हैं कि यह देवकीय इत्यादि बनाने के लिए उन्होंने प्रयोग किया। हाँ, देवकीय शब्द बनेगा, और क्योंकि इसके पहले वह गण पाठ एक पूजन क्या है कुछ एक और है अच्छा, कुक कुक प्रत्यय आता है, कुक कुक प्रत्यय हो करके हाँ, और फिर छ प्रत्यय करेंगे, कुक जनस्य एक वार्तिक आता है, उसके बाद यह गण पाठ है, गण पाठ के अंतर्गत फिर देवस्य ऐसा शुद्ध विधान करते हैं, तो देवकीय शब्द का निर्माण करते हैं। इस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन ठीक है, उस विधि को भी सम्मान देते हैं कि हम भी भाषा से भाषित यह पद आया। अध्यात्म विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान पर विचार करें तो हमारे यहाँ जब हम लोग सांख्य को देखते हैं तो सांख्य में पहला दुख त्रयाघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु इत्यादि के प्रसंग में, दुख के प्रसंग में वहाँ आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख और आधिभौतिक दुख की चर्चा करते हैं, और आध्यात्मिक पद से वहाँ आत्मानम अधिकृत्य जायमानम यद दुखम तद आध्यात्मिकम, उसी तरह से अगर यहाँ व्युत्पत्ति करें आत्मानम अधिकृत्य यद विज्ञानम तद आध्यात्मिक विज्ञानम या आध्यात्म विज्ञानम, ऐसा अर्थ अगर करना चाहें तो आत्मा से वहाँ उन्होंने मन और शरीर को ग्रहण किया। वह शायद हमको लगता है कि मन और शरीर को इसलिए ग्रहित करते हैं क्योंकि हमारे अन्य 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 दार्शनिक जो हैं अन्य संप्रदायों वाले, वह भी कोई शरीर को आत्मा मानता है, कोई मन को आत्मा मानता है, बौद्ध आदि मन को आत्मा स्वीकार करते हैं, तो इस दृष्टि से भी हम इस पर विचार कर सकते हैं। योग के शब्द की जहाँ तक चर्चा है, योग किसको कहें तो हमारे परंपराएं जो हैं, हमारी जो परंपरा कहती है योग दर्शन की परंपरा कहती है, हथयोगानुशासनम जो नाम लेते ही योग का शब्द का उच्चारण करते ही पतंजलि सबसे पहले ध्यान में आते हैं, महर्षि पतंजलि
स्वयं अपने योग सूत्रों में इसका निर्वचन करते हैं, और उसके जो भाष्यकार हैं भगवान व्यास, वह इसको और ही व्याख्यायित और स्पष्ट करते हैं। तो जब वह कहते हैं अथ योगानुशासनम, तो अनुशासन पद से अनुशासन से क्या तात्पर्य विहित होना चाहिए, तो कहते हैं शिष्टस्य शासनम अनुशासनम। शिष्ट अर्थात जो पूर्व आचार्यों के द्वारा शिष्ट है, या पूर्व में जो वेदादि ग्रंथों में वर्णित जो योग है, उसी योग को यहाँ लोग विहित करते हैं हम लोग अपनी परंपरा में। फिर योग क्या है, तो एक लक्षण उन्होंने दिया, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है वह योग है। चित्त की वृत्तियाँ बहुत हैं, पांच बताई गई, कृष्ण और कृष्ण के वेद से प्रमाण आदि प्रमाण, विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। उधर न जाते हुए योग शब्द की व्युत्पत्ति को देखते हैं, भाष्यकार कहते हैं योग समाधि ही, योग जो है वह युग समाधो धातु से निष्पन्न स्वीकार करते हैं, जबकि योग जो है कई सामान्य अगर इसका अर्थ देखते हैं तो जोड़ अर्थ में भी मिलता है। हम लोग गणित में तो जो विद्यार्थी हैं वह जानते हैं, 2 + 2 करें तो 4 होता है, योग वहाँ भी है। कुछ पुराण के वचनों को हम देखें तो वहाँ भी मिलता है जीवात्मा परमात्मा, हाँ योग, हाँ जीवात्मा और परमात्मा के योग को योग कहते हैं। तो इस तरह से योग की बहुत सी परिभाषाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन जो महर्षि पतंजलि की स्थिति है, वह योग को व्यास जी जो समझते हैं वह समाधि अर्थ में स्वीकार करते हैं, और जो समाधव से ही इस अर्थ को विहित करते हैं। ऐसे आप देखें तो एक योगो योग सीखो उपनिषद का एक मंत्र है, वह कहते हैं यो पान प्राण यो रैक्यम त्वजसो त्वरजो रेतसस तथा सूर्या चंद्रमसो योग जीवात्मा परमात्मनोः एवं द्वंद्व जाल से संयोगो योगो उच्यते। तो यह एक व्यापक स्वरूप देते हैं जो योग इत्यादि ग्रंथ हैं, जो और अन्यान्य जो ग्रंथ उपलब्ध थे उस समय तत्काल में, उन सभी को ध्यान में रख करके यह योग सूत्र का यह वर्णन है कि जो अपान और प्राण वायु का योग है। पतंजलि जी प्रोफेसर पतंजलि मिश्र भी बहुत ही अच्छा निरूपण कर रहे थे, जो आहुति है वह कैसे हो यह बड़ा गोपनीय विषय है, यह प्रक्रिया सीखनी पड़ती है कि हम प्राण वायु का कैसे अपान में और अपान का कैसे प्राण में करें, वह पूरक रेशक के माध्यम में। यह क्रिया का पक्ष है, यह मौखिक बताने का पक्ष नहीं है। तो फिर देखें तो वह जब चित्त चित्त जो है, चित्त है क्या, तो चित्त का स्वरूप क्या है, यह बड़ा विचित्र है। चित्त जो है वह मन बुद्धि अहंकार इन तीनों को मिला करके चित्त कहते हैं, और यह चित्त को अंतःकरण नाम से भी आपको प्राप्त कर सकते हैं, बहुत से व्याख्याकार इसको अंतःकरण हमसे भी स्वीकार करते हैं। अंतःकरण तीन है, प्रसिद्ध हैं, मन बुद्धि अहंकार को अंतःकरण कहते हैं। तो चित्त की वृत्ति या जो अंतःकरण है वह सभी मनुष्यता है, बिना उसके आप प्रमाण कोई काम नहीं कर सकता, आपकी कोई भी स्थिति नहीं हो सकती। जितनी भी वृत्तियाँ हैं वह कोई भी वृत्ति घट नहीं सकती, उसको तभी वह वृत्तियाँ संभव हो पाएंगी जब आप इसमें कहें। अगर अध्यात्म योग की बात करें तो इसी तरफ संकेत करते हैं। आप देखें कठोपनिषद की एक पंक्ति है, अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा जीवो हर्ष शोको जहाति। वहीं भाष्यकार कहते हैं आत्मनि चित्तस्य समाधानम अध्यात्म योगः, आत्मा में जो चित्त का समाधान है वह तो स्थिति अध्यात्म योग है। तस्य लाभेन धीरः योगी हर्ष शोको जहाति, ऐसा भाष्यकार वहीं पे यह कठोपनिषद की 1, 2, 12 का मंत्र है, वहाँ इस तरह से वर्णन प्राप्त होता है। फिर जो चित्त है जिसमें प्रमुख, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, मन है, तो मन को निग्रह करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए। हठ योग की परंपरा में अलग उपाय हैं, हठ योग की 2-2 शाखाएं निकली, उन दोनों शाखाओं में अलग अलग, क्योंकि हठ योग उसमें कहते हैं एक तो प्राण विद्या से, और एक जो है वह वीर्य निरोध के द्वारा आपको उस विद्या से वीर बिंदु निषेवणा, तो दो कहते हैं, एक गोरक्षाद्या प्रवर्तिता अपरश्च तत्र दूसरी जो धारा हुई वह मुकुंड पुत्र के द्वारा
प्रवर्तित की गई। ये दो धाराएं हटियोग की परंपरा में प्रचलित हैं। तो इन धाराओं में भी वह मन निग्रह का उपाय बताते हैं, मन को कैसे आप अपने वशीभूत कर सकते हैं। और वशिष्ठ योग वासिष्ठ को देखें, भगवान राम को जब सम प्रकरण में जब उपदेश देते हैं तो वहाँ कहते हैं, दो प्रमो कीर्तन आशस्य योगो ज्ञानम च राघव, ऐसा उपदेश करते हुए भगवान वशिष्ठ भगवान को श्री राम को उद्बोधित करते होते हैं। योग वृत्ति निरोधो ही ज्ञानम सम्यक गवेक्षणम। तो यह एक मार्ग वहाँ चित्त नाश का यह एक मार्ग वहाँ वर्णित होता है। वहाँ बड़ा बहुत विशाल, अगर देखा जाए बहुत विशाल तरीके से वहाँ चिंतन सम प्रकरण में योग वासिष्ठ कार्य ने किया है कि किस तरह से हम यहाँ देखते हैं। अगर हम योग की बात करें, योग सूत्र में करते हैं देखें तो बहुत ही अल्प, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तम निरोध, इतना कह करके एक सूत्र मात्र कह देने से आपको अर्थ ज्ञान नहीं होगा कि क्या अभ्यास है और क्या वैराग्य है। तो अभ्यास और वैराग्य की जो स्थिति है वह गीता में भी, अभ्यास है तो कौन से वैराग्य में सुखी इत्यादि वहाँ भी भगवान यही कहते हैं। लेकिन उसका जब स्फुरण हम ग्रंथों को पलटते हैं, ग्रंथों को जब हम पढ़ते हैं तब वहाँ से हमको प्राप्त होता है। तो वहाँ देखें तो तीन तीन प्रक्रियाएं एक जगह प्राप्त होती है हमको मिली, कि तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना है। वहाँ श्लोक जो है वह देखें तो कहते हैं, यावत विलीनम न मनो न तावत वासना क्षय है, न क्षीणा वासना यावत इष्टम तावन न शाम्यति, यावन न तत्व विज्ञानम तावत तावत चित्त समाहुतः, यावन न चित्तोपशमो न तावत तत्ववेदनम, यावन न वासना नाशस तावत तत्वागमः कुतः, यावन न तत्व संप्राप्तिर न तावत वासना क्षयः, तत्व ज्ञानम मनोनाशो वासना क्षय एव च इतः कारणताम गत्वा दो साध्यान स्थान यतः तस्माद् राघव यत्नेन पौरुषेण विवेकिना भोगेच्छां भूतस्तत्वा स्वयं एतत् समाश्रय। तो यह जो वशिष्ठ का जो यह वचन है, कहते हैं कि जब तक मन विलीन नहीं होता है तब तक वासना का सर्वथा विनाश नहीं हो सकता, जब तक वासना विनष्ट नहीं हो सकती तब तक चित्त शांत नहीं होता, और जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक चित्त की शांति कहाँ, और जब तक चित्त की शांति नहीं होती तब तक परमात्मा के तत्व के का जो यथार्थक ज्ञान है वह नहीं हो सकता, और जब तक वासना का सर्वथा नाश नहीं होगा तब तक तत्व ज्ञान कहाँ से होगा, और जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक वासना का सर्वथा विनाश नहीं होगा। इसलिए परमात्मा का जो यथार्थक ज्ञान है वह मनोनाश और वासना क्षय, ये तीनों ही एक दूसरे के कारण हैं। इसलिए हे राम, यह जो दुस्साध्य है किंतु असाध्य नहीं है, दो साध्य है, बहुत कष्ट से साध्य है। आप इसको विशेष प्रयत्न के द्वारा इन तीनों को सिद्ध करिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, पर आपको अवलंबन करना चाहिए। आगे फिर कहते हैं, सर्वथा ते समम यावन न शुभस्य मुहुर्मुहुः तावन न पद संप्राप्ति भगवत समासतैः वासनाक्षय विज्ञान मनोनाशा महामते समकालम चिराभ्यस्ता भवन्ति फलदा। मुने, यदि यह जो तीनों उपाय जो बता रहे हैं इसको थोड़ी प्रकार से अगर आप अभ्यस्त करते हैं तो सैकड़ों वर्षों तक भी परम की पद की प्राप्ति जो है वह संभव नहीं है, किंतु आप जो हैं वासनाक्षय, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और मनोनाश, इन तीनों को एक साल एक साथ दीर्घ काल तक यदि प्रयत्न पूर्वक अभ्यास किया जाए तो परम पद जो है उस वह जो फल है उसकी प्राप्ति आपको घटित ही हो जाती है, तत्काल ही हो जाती है। तो यह वहाँ इस तरह से वर्णन है। तो आप देखें तो हर जगह आप यही योग में ही देखें तो उसमें चित्त के बाद, चित्तवृत्ति निरोध के बाद पुरुष की क्या स्थिति होती है, यह भी वहाँ बताया गया है। क्योंकि चित्त जो है वह जड़ है, जड़ अर्थात प्रकृति से उत्पन्न है, प्रकृति तत्व रजतम की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है, उसी को प्रकृति
प्रकृति कहते हैं, सत्व रजतम भिन्न नहीं है। सत्व रजतम की जो साम्य अवस्था है, जिस साम्य अवस्था का ही नाम प्रकृति स्वीकार किया गया। इसमें जब विक्षोभ होता है, जब तो सृष्टि होती है, तो प्रकृति महातत्व इत्यादि के रूप में आपको देखने को मिलती है। महातत्व, अहम तत्व, एकादश इंद्रियां, पंचतन मात्राएं, पंच महाभूत इत्यादि वहाँ उत्पन्न होते हैं। और दूसरा जो चेतन तत्व है वह भी है, तो वह इससे सर्वथा पृथक है। वह उस समय जब ऐसी ऐसी अवस्था हो, जब चित्त जो है वह आपका चित्तवृत्ति निरोध की अवस्था हो, तब क्या होता है, तो उस समय पुरुष की स्थिति बताते हैं। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्था में, वह जो दृष्टा है, वह जो पुरुष है, वह अपने रूप में उस समय स्थित होता है। अर्थात फिर शंका हो सकती है, अच्छा आप कहते हैं कि अपने रूप में, क्या वह अपने रूप में स्थित नहीं होता है, रूपावस्थिति उसकी नहीं भी है क्या? तो उसके बाद तत्काल ही भगवान पतंजलि कहते हैं, वृत्तिसारूप्यम इतरत्र माने इससे भिन्न काल में, अगर वह समाधि अवस्था से भिन्न काल में है, तो उसके लिए आप यह देख सकते हैं कि वह वृत्ति सारूप्यता उसकी होती है, वृत्ति के समान रूप वाला वह हो जाता है वह पुरुष। तो इस तरह से वहाँ पुरुष में भी एक देखें तो एक बद्ध अवस्था के पुरुष की कल्पना हमारे दर्शन में प्राप्त होती है, एक मुक्त अवस्था जो है उस अवस्था में पुरुष किस तरह से है, उसका स्वरूप प्राप्त होता है। या जैसा कि यहाँ योग सूत्रकार कह रहे हैं कि चित्त वृत्ति निरोध काल में, अर्थात समाधि के काल में कैसा पुरुष है, और समाधि से भिन्न काल में किस तरह का पुरुष है, तो यह वहाँ प्राप्त होता है। फिर अगर इसी योग सूत्र को ही चिंतन करें, तो देखते हैं यह पहला जो यह श्रम बताया, चित्त वृत्ति का निरोध तो कैसे संभव है। तो प्रथम ही उपदेश में वह कह देते हैं, पहला जो उनका वो है, कहते हैं अभ्यास वैराग्य अभ्यंत निरोध। तो अभ्यास और वैराग्य सभी के बस की बात नहीं है, तो सभी को अभ्यास वैराग्य हो जाए, जो बहुत सात्विक हैं हाँ तो ही बार बार मुँह मुँह चिंतन कर पाएंगे और बार बार जो वैराग्य की स्थिति है वह भी परम जो ज्ञानी होंगे। और ज्ञान हमारे यहाँ कहाँ स्थित है, तो कहते हैं बुद्धि का धर्म है ज्ञान, सात्विक में तद रूपम तामसम अस्माद। तो हम सांसारिक का देखते हैं तो वहाँ बुद्धि का जो स्वरूप है वह कहते हैं अध्यवसायो बुद्धि ही धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विक में तद रूपम तामसम अस्माद। तो अध्यवसाय करना बुद्धि का काम है, निश्चय ज्ञान करना बुद्धि का काम है, लेकिन इसके दो रूप प्राप्त होते हैं, एक सात्विक रूप और एक तामसिक रूप। सात्विक रूप जो है वह उसमें में एक पक्ष आता है ज्ञान का, जो ज्ञान है वह बुद्धि का सात्विक रूप है, जो सर्वथा जो वेदांतियों का ज्ञान है वह आत्मनिष्ठ है, वहाँ तक हम दूसरी प्रक्रिया में जाते हैं, लेकिन हम यहाँ बुद्धि को बुद्धि तक ही ज्ञान की सीमा रखते हैं। ज्ञान जो है वह बुद्धि का ज्ञान जो है वह सात्विक रूप को ज्ञान कहते हैं सांख्य योगी। लेकिन जब प्रक्रिया की बात आती है, तो जब कहते हैं इंद्रिय प्रणाली क्या प्रमाण देखें, तो कहते हैं इंद्रिय प्रणाली क्या बाह्य वस्तु परागा चित्तस्य सामान्य विशेषात्मनोअर्थस्य विशेषावधारण प्रधान वृत्ति प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष का यह लक्षण करते हुए भाष्यकार कहते हैं, भाष की पंक्ति है यह, कहते हैं इंद्रिय प्रणालिका के माध्यम से इंद्रिय जो है वह नलिका का काम करती है, उस माध्यम से जब चित्त जाता है विषय के पास, तो तदाकाराकारित चित्त हो जाता है। यही जो तदाकाराकारित चित्त है विषय के साथ, जो विषय में दोनों धर्म होते हैं सामान्य और विशेष, दो धर्म होते हैं, तो विशेष का जो बोध कराती है, हम जब प्रत्यक्ष करते हैं तो रूपादि का बोध करते हैं, इसलिए वह विशेष हुआ, और विशेष आदि का बोध कराने से उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। तो यह प्रक्रिया भी हमारी नैयायिकों से भिन्न प्रक्रिया है, तो उस पर भी विशेष चिंतन अपेक्षित है। और दूसरा एक और प्रश्न उठा करके व्यास जी ने छोड़ दिया, हम गुरुजन के सम्मुख उपस्थित हैं, तो गुरुजनों के पास अपनी बात अगर रखते हैं, तो अगर कहीं त्रुटि होती है तो उसका परिमार्जन वो लोग करते हैं, इसलिए मैं जरूर रखना चाहूंगा। एक प्रश्न उन्होंने उठाया, योग समाधि ही सच सार्वभौम चित्त धर्म। यह जो है सार्वभौम चित्त का धर्म है योग, सर्व
सर्वभूमि सार्वभौम से तात्पर्य क्या है? कहते हैं सभी भूमियों में रहने वाला भूमियां क्या हैं? तो हमारे यहाँ योग में प्रसिद्ध भूमियां हैं क्षिप्त मूल विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध। ये सभी भूमियों में योग है, यह प्रतिज्ञा कर लिए। फिर कहते हैं नहीं, एकाग्र और निरुद्ध में ही यह योग है, बाकी में विक्षेपस्य उपसर्जनी भूतः समाधि न योग पक्षे वर्तते, ऐसा करके वहाँ जो गुणीभूत वाली स्थिति है वहाँ वह गुणीभूतता ला करके कहते हैं कि विक्षेप ही प्रधान हो जाता है और समाधि गुणीभूत हो जाती है, जो साहित्य नीरज जी समझ रहे होंगे। तो वही गुणीभूत व्यंग की तरह यहाँ गुणीभूत कर दिया समाधि को और प्रधान कर लिया विक्षेप इत्यादि को। तो कहे कि वहाँ यह उसकी प्रधानता होना चाहिए, जिसकी प्रधानता होती है उसी का लोक में व्यवहार देखा जाता है, जो प्रधान होता है वही व्यवहार होता है, यह आप देखते ही हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी कर रहे हैं, तो एकाग्र और निरुद्ध में यहाँ कह दिया। लेकिन भाष्यकार ने इसको छोड़ा नहीं, सार्वभौम चित्त वृत्ति निरोधा को, और जब वह द्वितीय पाद का निरूपण करते हैं, द्वितीय पाद में जाते हैं, तो क्रिया योग जब शुरू करते हैं तो कहते हैं समाहित चित्त योग प्रोक्त हाँ विक्षित चित्त, हाँ विक्षित चित्त के लिए योग कहने जा रहे हैं। समाहित चित्त के लिए तो हमने कह दिया प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में विक्षित चित्त अर्थात जो चंचल चित्त वाले हैं, चंचल चित्त से तात्पर्य है जो अन्य भूमियाँ बची, बाकी तीन भूमियाँ चित्त मूल इत्यादि चित्त मूल विक्षित इत्यादि, तो उन भूमियों के लिए भी वह यहाँ क्रिया योग का निरूपण करते हैं। फिर और आगे जाते हैं तो अष्टांग योग का निरूपण करते हैं, आठ अंगों का वह स्वरूप वहाँ बताते हैं। तो यह जो आठ अंग है वहाँ भी बड़ी समस्या है, कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये आठ अंग है। तो यम जो है वह हिंसा, इसको लें अहिंसा सत्य स्थे ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये पांच जो यम हैं एक हिंसा का ही निरूपण कर लेते हैं, बाकी आप लोग उसी हिसाब से समझ लेंगे। तो इस हिंसा के निरूपण के प्रसंग में वह कहते हैं कि इसके बहुत भेद हैं, 81 भेद प्राप्त होते हैं हमारे साथ में। हिंसा जो है वह 81 प्रकार की है, अगर हिंसा इस 81 प्रकार के भेदों से इतर है तब वह अहिंसा कही जाएगी। तो हिंसा क्या है, तो उसमें कहते हैं पहला उन्होंने कहा कृत कारित अनुमोदित, कृत हिंसा स्वयं करे, कारित दूसरे से करवाए, अनुमोदन करे कोई कर रहा हो तो कहें हाँ ठीक कर रहे हो मारो उसको, तो कृत कारित अनुमोदित। फिर क्रोध लोभ मोह के भेद से किया, इसी को तीन के तीन भेद और किए, क्रोध जनित हिंसा लोभ जनित हिंसा मोह जनित हिंसा, फिर तीन तीन का 9 भेद हो गया, एक एक के तीन तीन भेद करेंगे। तो फिर कहा कि मृदु मध्य अधिमात्र उससे भेद करिए, तो मृदु हिंसा हुई मध्य को क्रोध जनित हिंसा हुई, एक एक में तीन तीन 9 से 27 हो जाएंगे। फिर एक और भेद करते हैं मृदु मध्य और तीव्र, ऐसा भेद करके 81 भेद बनाते हैं। लेकिन यह जो माँ इंस्यात सर्वभूतानि वाली स्थिति है, अगर इसको थोड़ा त्याग करें तो वहाँ हमारे यहाँ घटती है। हमारे यहाँ कहते हैं एक और आगे एक और सूत्र आता है, जाति देश काल समयान अवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। तो जाति अवच्छिन्न हिंसा भी होती है, जैसे मछुआरा है तो मछुआरा है तो मछली पकड़ेगा, तो जाति अवच्छिन्न हिंसा हो रही है, लेकिन उसको उससे इतर अगर वह किसी को मारता है तो हिंसा कोटि में लेते हैं। जाति अवच्छिन्न हिंसा को हम हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन उससे भी वह जब जाति अवच्छिन्न भी हिंसा जो है वह क्या कहते हैं जाति देश काल से जब सब समय जाति देश काल और समय जाति हो गई है, जो आप जाति मनुष्य आदि को भी जाति ले लीजिए, सैनिक है कोई सैनिक जाति की है वो मान लीजिए, तो अगर वह हिंसा नहीं करेगा वहाँ बॉर्डर पे तो दूसरा देश आके आक्रमण करके चढ़ाई कर जाएगा। तो जातिवच्छिन्न हिंसा में भी आ सकता है, कालावच्छिन्न हिंसा में भी आ सकता है, वह काल उस काल में वहाँ है तो वहाँ वह हिंसा करेगा ही, तो वह उसके लिए हिंसा नहीं है। उससे इतर अगर वह आकर के यहाँ घर में किसी को मारता है तो हिंसा करता है, तो यह वहाँ बहुत विस्तृत इसका निरूपण है, जाति देश काला काल समयान अवच्छिन्ना। उससे जब अनवच्छिन्न है, उससे अवच्छिन्न है हिंसा, तब तो वह उसको उन्होंने कहा कि यह उस कोट की उतने में इतने परिच्छिन्न मात्र में, अगर मछुआला है मछली पकड़ रहा है तो वह उतने मात्र के लिए उसकी हिंसा नहीं है, अगर वह कबूतर पकड़ता है तो हिंसा हो जाती है। तो यह उतने अवच्छिन्न किया, और फिर अनवच्छिन्ना
उससे जब अनवच्छिन्न है, जाति देश काल समय से भी जब अनवच्छिन्न है, तब उसकी हम जो संज्ञा है वह महाप्रत्यय योग में संज्ञा दी गई है। तो वहाँ तक योग बात करता है। और फिर आप प्राणायाम पर विशद चर्चा आप सुने ही, हमारे प्राणायाम की जो स्थिति है वह बहुत, प्राण जो होता है, प्राणवायु जो है वह बहुत ही क्या कहते हैं कि उचित रहे, जैसे कोई सिंह और व्याघ्र को हम बस में करना चाहें या उन्मत्त हाथी को बस में करना चाहें तो उसको हम किस प्रकार से बस में करते हैं, तो जिस प्रकार से उसको सनई सनई ही उसको बस में किया जाता है, उसी प्रकार से इस प्राणवायु को बस में करने का विधान शास्त्रों में वर्णित है। धीरे धीरे उसको बस में किया जाता है, एकाएक आप उसका आचरण करने लगें तो वह बस में नहीं होती है। तो यह प्राण के बारे में है, गीता में भी इस पर बहुत आगे की तकनीकी बता दी गई है कि जब प्राण में अपान का सेवन करें इत्यादि इत्यादि, रेचक पूरक कुंभक की जो वह चरम अवस्था है, रेचक की पूरक की जो चरम अवस्था है, जब हम हवन करेंगे तो हम पूरक की स्थिति है जो चरम अवस्था है योगियों की, उस अवस्था का वहाँ उन्होंने वर्णन किया है। और फिर प्रत्याहार है, प्रत्याहार से तात्पर्य है जब हमारी इंद्रियां जो हैं उनके प्रत्येक इंद्रियों के आहार हैं अपने अपने, या कहें कि जब मन उससे हट जाए इंद्रियों से तब भी वह आहार ग्रहण में समर्थ नहीं होता है, तो इस तरह से वहाँ प्रत्याहार का निरूपण करते हैं। धारणा है, धारणा माने चित्त का किसी देश विशेष में बढ़ना, वह देश विशेष जो है वह बाह्य भी हो सकता है, आभ्यंतर भी हो सकता है, तो सूक्ष्म भी हो सकता है। तो इस तरह से बाह्य देश, जैसे हम देवादि प्रतिमा में हम कहीं अपने चित्त को लगाते हैं तो बाह्य देश में हुआ, आभ्यंतर देश जैसे हम अपने ही अंदर, जो योगी कहते हैं हमारे ही अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की स्थिति है, तो जो हमारे चक्र हैं, नौ चक्रों की जो योगियों ने निरूपण किया है, उन चक्रों के ऊपर जब हम अपने ध्यान को एकत्रित करते हैं, अपनी चित्त को स्थित करते हैं, तो वह धारणा कही जाती है। और फिर इसी को आगे जब बढ़ाते हैं तो उसको वहाँ ले जाते हैं, तब यही प्रत्ययिकतानता, प्रत्यय अर्थात ज्ञान की जो एकतानता है, इसी स्थान विशेष में जो ज्ञान की एकतानता है उसी को ध्यान कहते हैं। फिर तो आगे की अवस्था समाधि की अवस्था है, लेकिन इसमें चित्त चित्त और चित्त जो है वह बड़ा दो धातुओं से, एक ही धातु से बना है लेकिन दो विपरीत अर्थों को प्रतिपादित करने वाला, एक चेतन और एक चित्त जो है हमारे यहाँ जड़ है। तो यह इस अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से हम इस पर, इन्हीं शब्दों में समय भी हो गया है बहुत समय में लेते हुए, इन्हीं शब्दों से मैं अपने यज्ञ आहुति, इस यज्ञ में अपनी आहुति समर्पित करता हूँ और सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ कि वह इस छात्र को जरूर आशीर्वाद प्रदान करें इन्हीं शब्दों के साथ।